अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। दिनों रात चल रहे काम की वजह से मंदिर का निर्माण करीब 80% तक पूरा हो चुका है। निर्माण कार्य की समीक्षा श्री राम मंदिर निर्माण समिति और श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट रोज कर रहे हैं। जनवरी तक श्री रामलला का मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। ट्रस्ट पीएम नरेंद्र मोदी को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आने के लिए निमंत्रण भेजेगा। प्राण प्रतिष्ठा पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय पधारे, इसलिए उनको एक बहुत ही विनम्रता का निवेदन पत्र भेजा जाए, क्योंकि तिथि तय नहीं है, तो ये लिखा जाए कि दिसंबर और 26 जनवरी के पहले या जनवरी, उसमें जो भी अनुकूलता होगी हम आपको बताएंगे, लेकिन आप अयोध्या पधारने की कृपा करें। मंदिर के भूतल का निर्माण आखिरी चरण में है। अक्टूबर तक भूतल का निर्माण पूरा होने की उम्मीद है। मंदिर में अब फिनिशिंग का काम चल रहा है और राजस्थान से लाए गए पत्थरों को लगाया जा रहा है। सारा काम बहुत अच्छी तरह से चला है और निश्चित रूप से हमारा विश्वास है कि जनवरी के तृतीय सप्ताह में भगवान श्री रामलला अपने अत्यंत भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे। सूत्रों के मुताबिक 22 जनवरी 2024 को रामलला भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 7 दिन से लेकर 11 दिन तक हो सकता है। ट्रस्ट की बैठक में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए 10 सदस्यों की कमेटी बनाई जा चुकी है।